Good morning, students. Welcome in the Hindi class. Now I am taking a fourth class chapter, आँखों की देखभाल. Part 7, आँखों की देखभाल. Here यहाँ पर मैंने एक picture बनाई हुई है आँख कि हमने आँखों की कैसे देखभाल करनी होती है और कौन कौन सी चीजें हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जैसे सब्जियां फल वो हमारी आँखों को अच्छा रखती हैं और जो अच्छा टीवी देखने का तरीका, कुछ खान पीन वो हमारा जो अगर अच्छा हो तो वो हमारी आँखें जो है ज्यादा सेहतमंद रहती हैं. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर आँखों की देखभाल. ये स्वास्थ्य पर आधारित एक कथा है. रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलता हुआ सुबह सुबह बिस्तर से उठा. उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर रमन नहाने चला गया. अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ. विद्यालय का मतलब होता है स्कूल. धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द मतलब पीड़ा और चुभन सी होने लगी. आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा. घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी. उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई, कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है, पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन सी हो रही है. अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है. माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए. ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा. शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई. डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही माँ बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है, टीवी भी तो इतने पास से ही देखता है जैसे उसी में घुस जाएगा. रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए मना करती थी. डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, टर्न योर पेज, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट. इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही चीजें पसंद है जो बहुत नुकसान करती हैं. हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि को देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है. रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन आज आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है. तुमने पढ़ा ही होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियां और फलों से मिलता है, लेकिन ये सब तो हम खाते ही नहीं हैं. आंखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी हैं, तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक ना होना, टीवी को बहुत नजदीक से देखना आदि. पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए. कितने इंच की? 12 इंच की दूरी पर. तुम इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी. यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल अब क्या मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है इसलिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है. विटामिन की कुछ दवाइयां दे रहा हूं जिन्हें खाने से बहुत फर्क पड़ेगा. यदि तुम हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही वह फलों से हमेशा के लिए दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे. रमन बोला, डॉक्टर अंकल मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाऊंगा, पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा.
जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। इस कथा का संदेश क्या है? अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ पढ़ने में देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। और इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें हमेशा हरी सब्जियां, फल, दूध, दही खाना चाहिए, बाहर की नुकसानदायक चीजें कम खानी चाहिए, और पढ़ने का और हमारे टीवी देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। हमें कितनी दूर से कॉपी किताब कितनी दूर रखनी चाहिए? कम से कम 12 इंच तक। धन्यवाद।